20 ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप के बिग लीडर्स वो आज आए थे, उसमें से 6 तो ऑनलाइन थे, बाकी सब यहाँ उपस्थित थे। उनके साथ हरियाणा की नई उद्योग पॉलिसी, उसका एक ड्राफ्ट उनको सबको दिया गया है, उससे सुझाव मांगे गए हैं, कुछ अच्छे सुझाव आए भी हैं। उन सब के जो सुझाव हैं डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके और इनकॉर्पोरेट करने लायक जितने होंगे, नई पॉलिसी हम 1 नवंबर जो हरियाणा दिवस 2020 उस दिन से उसको लागू करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा जैसे औद्योगिक दृष्टि से पहले भी हमारा बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन और आगे कैसे बढ़े, हरियाणा प्रदेश को किस प्रकार से हम समृद्ध बनाएं, और विशेष तौर पर उसमें हरियाणा के युवकों को नौकरी देने की बात, उनको प्राथमिकता देने की बात, उनकी रिजर्वेशन की बात, इस पर भी चर्चा हुई है, कुछ सुझाव आए हैं। और ख़ास करके हरियाणा का युवक पढ़ा लिखा है, स्किलिंग का एक सुझाव ज़रूर आया कि उनको अच्छी स्किलिंग दे करके, ताकि उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड उद्योग में प्राइवेट नौकरी की तरफ आगे बढ़े। तो इस नाते से इसके ऊपर सारी योजनाएं बना करके और हम हरियाणा के युवा को कैसे ज़्यादा नौकरी मिले इसके प्रावधान करेंगे। तो किसान आंदोलन के ऊपर अब तक आपने कुछ नहीं हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसान का हित ये हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आय किस प्रकार से डबल हो, तो डबल आय के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं, बहुत सी चीज़ें लागू हो गई हैं, बहुत सी चीज़ें लागू करनी हैं। तो ये 2022 तक किसान की आय डबल होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। उसी में चाहे वो लगातार MSP बढ़ रही है और जो पहले की तुलना में उसके बढ़ने की गति बहुत ज़्यादा बनी है, उसी में ये जो 3 अध्यादेश की जो बात आई है, जो बिल बन चुका है, एक्ट बन चुका है, उस एक्ट की बात आई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आई है, इसमें कुछ भ्रम फैलाने की जो बात की गई है, पॉलिटिकल जिसको कहना चाहिए कि अपना एजेंडा लेकर के खास करके कांग्रेस ने इसको हवा देने की बात की है। मैं इतना ही पूछना चाहूँगा कांग्रेस के नेताओं से कि जब उनकी सरकार थी, चाहे केंद्र में थी चाहे हरियाणा में थी, वो 2009 से लेकर 2014 तक जो चर्चाएं उस समय चली थी, ये सारे जितने आज एक्ट बनाए जा रहे हैं, इनकी भूमिका उस समय बनी हुई थी। वो जो एक्ट उस समय बनने जा रहे थे, उन्होंने कुछ बनाए, कुछ नहीं बनाए, कुछ अधूरे छोड़े, और चाहे उसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की, इम्प्लीमेंटेशन करने की बात थी, जो वो नहीं कर पाए थे, आज अगर वो हो गए हैं तो उसी में अब उनका जो विरोध नज़र आता है, ये बेमाने हैं। ये तो एक प्रकार का राजनीतिक हेतु ध्यान में रख करके आलोचनाओं का जो विषय वो कर रहे हैं। सभी बातें किसान के हित में हैं और किसान हित में होने वाली बातें उनको सबको हम लागू करेंगे। लाठीचार्ज की जांच होगी सर? लाठीचार्ज की जांच होगी क्या? मैं बता चुका हूँ। ठीक है, गोपाल कांडा विधायक हैं, और विधायक अगर किसी अपने क्षेत्र की कोई समस्या, कोई कठिनाई लेकर के मुख्यमंत्री को मिलते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम हर किसी को मिलते हैं, चाहे वो गोपाल कांडा हो, चाहे वो हमारे अपने विधायक हों, हमारे सहयोगी पार्टी के विधायक हों, इंडिपेंडेंट हों, कांग्रेस के हों, कोई विधायक है वो स्वतंत्र है। कभी उन्होंने समय मांगा, वो चूंकि यहाँ गाँव में थे, मुझे यहाँ आना था, उनका कि मुझे मिलना है, आइए। सर, 75% युवाओं को रोजगार देने की जो बात है, लगातार उद्योगपति उसका विरोध कर रहे हैं कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की जो बात थी, क्या इस ड्राफ्ट में उस पर भी सहमति? मैंने बताया ना, ये आपने ही कहा कि लगातार विरोध कर रहे हैं, हमने चर्चा की, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। जो ऑब्जर्वेशंस थी उनकी, वो उन्होंने बताई, हमने स्वीकार की, हम उसको ट्रेंड करेंगे। मैंने बताया कि कुछ बिहेवियरल एटीट्यूड की चीज़ें होती हैं, जो उनको अपेक्षा है उसको हम पूरा करेंगे। और हमने आज हमारे जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उनको भी बुलाया हुआ था, उनको कहा था कि क्या इस प्रकार का एक कोई 1-2 महीने का कोर्स भी बनाना पड़े, तो वो भी बनाए, ताकि एक सामूहिक रूप से काम करने में। अब ये वैसे तो हर एक संस्थान में होता है, चाहे ऑफिस में काम करने वाले, चाहे वो इकट्ठे मिल करके कहीं एजुकेशन इश्यूज में काम करने वाले, इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉइज हों, वर्कर हों, तो ऐसा एक जनरल बिहेवियर सबका अच्छा हो, ये सबकी अपेक्षा होती है। और ये जो बाहर से भी आते हैं, उनके साथ भी कठिनाई आती है, ये कठिनाइयाँ सब जगह आती हैं। तो ऐसे एक माहौल अच्छा बनाने के लिए जो जो करना होगा करेंगे, लेकिन हरियाणा के युवक को इंडस्ट्री प्राथमिकता पर नौकरी दे, इसके लिए सहमति बन गई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ब्रॉड कंट्रोल्स क्या होंगे अगर आप
वो अभी ड्राफ्ट पॉलिसी है, मतलब पॉलिसी ऑनलाइन अवेलेबल है, पॉलिसी इंप्लीमेंट जिस दिन उसके बाद ही कंटिन्यू। क्या फोकस, क्या आइडिया है? दो चीज़ों पर फोकस है, एक एंटरप्राइज को लाने में और दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। धन्यवाद।